तीन तलाक और सिविल कोड पर सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। तीन तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में, मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं, मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन है, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, बिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं,
मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।